आज आप लोगों के पास है एक्सरसाइज 5.13। ये आप उनके पास है वेन डायग्राम, ठीक है। सेट्स आपको दे दिए जाएंगे, आप लोग उनके वेन डायग्राम बनानी होगी। उससे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए वेन डायग्राम क्या होती है। आप लोगों को डेफिनेशन दे दी गई है वेन डायग्राम की। वेन डायग्राम शो आर पॉसिबल लॉजिकल रिलेशन बिटवीन फाइनाइट कलेक्शन, ठीक है। हमारे पास जो फाइनाइट कलेक्शन होगी सेट्स की, उसके दरमियान कोई रिलेशन होगा, ठीक है। वेन डायग्राम हमें क्या शो करेगी, फाइनाइट कलेक्शन ऑफ डिफरेंट सेट्स के दरमियान जो एक बाकायदा रिलेशन होता है, जो पॉसिबल हो सकता है, उसको हम वेन डायग्राम से शो करेंगे। इस चीज़ को हम कहेंगे कि ये वेन डायग्राम है, ठीक है। अब आप लोगों के पास है एक बॉक्स दिया गया है, आपके पास उसमें दिया गया है ब्रिटिश मैथमेटिशियन जॉन मैन इंट्रोड्यू द रेक्टेंगल फॉर यूनिवर्सल सेट यू एंड इट्स सबसेट ए बी एज क्लोज फिगर इनसाइड रेक्टेंगल, ठीक है। आप लोगों के पास जो यूनिवर्सल सेट होता है यू, उसको आप रिप्रेजेंट करते हैं एक रेक्टेंगुलर बॉक्स से। इस सेट को हम कहते हैं कि ये हमारे पास है यूनिवर्सल सेट, ठीक है। और ये इसमें उसने ये बताया कि ये आप लोगों के पास एक मैथमेटिशियन था जॉन मैन, जिसने आप लोगों को इंट्रोड्यूस करवाया था ये सेट यूनिवर्सल सेट। और इसके अंदर जितने भी सेट आ जाते हैं हमारे पास ए बी सी, आप लोगों को ये तो पता है कि यूनिवर्सल सेट ऐसा सेट होता है जितने भी सेट्स हैं वो सब उसके सबसेट होते हैं, ठीक है। और इसके जितने भी सबसेट इसके अंदर आ जाते हैं ए बी सी, हम कोई भी सेट ले लेते हैं, हम ऐसे लिख लेते हैं ये ए है, ये बी है एंड ये सी है, ठीक है। इन इसको हम इस चीज को उसने इंट्रोड्यूस करवाया था जॉन मैन, ठीक है। ये ऑब्जेक्टिव के लिए इम्पोर्टेंट है। फिर हम लोग चलते हैं एक्सरसाइज पे, ठीक है। आप लोगों को फर्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है, ए और बी दो सेट दे दिए हैं और आपने क्या करना है, ड्रा करनी है वेन डायग्राम, ठीक है। वेन डायग्राम आप लोगों ने ड्रा करनी है, आप लोगों के पास ए और बी दो सेट दे दिए गए हैं। आपने वेन डायग्राम से ए यूनियन बी और ए इंटरसेक्शन बी को शो करना है, ठीक है, वेन डायग्राम से। अगर आपके पास जनरली दो सेट दे दिए जाए जिसमें कोई एलिमेंट्स ना हो तो आप उसकी जनरली वेन डायग्राम बना सकते हैं, लेकिन यहाँ आप लोगों को उसमें सेट्स दे दिए, ठीक है। आपने सेट्स से ये देखना है कि उनका यूनियन क्या आता है और उनका इंटरसेक्शन क्या आता है हमारे पास, ठीक है। ए सेट हमारे पास दिया हुआ है 1 2 3 4, ठीक है। ए सेट हो गया 1 2 3 4, बी हमारे पास दिया हुआ है 4 6 8 and 10, ठीक है, 4 6 8 and 10। अगर आप लोग यूनियन देखते हैं, यूनियन में तो सारे एलिमेंट आ जाते हैं, यूनियन बी हमारे पास आ जाता है 1 2 3 4 6 8 and 10, ठीक है। जब आप लोग इंटरसेक्शन इसका करते हैं तो आप लोगों के पास सिर्फ एक एलिमेंट इन कॉमन आ रहा है जो दो एलिमेंट है, वो है 4, ठीक है। ये आ गया इसका इंटरसेक्शन। अब आप लोग जब उसको वेन डायग्राम में शो करना है तो आप लोगों ने ऐसे करना है, यूनिवर्सल सेट में हम लोग सारे वेन डायग्राम्स बनाते हैं, ठीक है। ये हो गया ए सेट और ये बी सेट, ठीक है। अब आप लोगों को देखना है कि इंटरसेक्शन, अगर इंटरसेक्शन कॉमन आता हो तो हम ऐसे डायग्राम बनाते हैं। अगर इंटरसेक्शन कॉमन ना हो, इनका कोई भी एलिमेंट कॉमन ना हो, तो मैं सिंपली इसको ऐसे बना देती ये और ये, क्योंकि सेट ओवरलैप कर ही नहीं रहे, ये सेट ओवरलैप कर रहे हैं, इनका एक एलिमेंट कॉमन आ रहा है, तो मैंने डायग्राम बनाई कि जो कॉमन एलिमेंट है वो ये वाला पोर्शन है, ठीक है। यहाँ आपके पास आ गया 1 2 3, ये आ गया आपके पास ए सेट, ठीक है। 4 दोनों का कॉमन है, हम लेकर लिख लिया। इधर आ गया 6 8 and 10। अब जब हम यूनियन फाइंड करेंगे, ये हमारे पास यूनिवर्सल सेट, ठीक है। जब हम यूनियन फाइंड करेंगे इसका, तो यूनियन में सारे एलिमेंट्स आ जाते हैं, चाहे वो ए के हैं चाहे बी के। तो आप लोगों ने क्या करना है, इन दोनों सेट को शेड कर लेना है, ठीक है। और ये पोर्शन भी आप लोगों ने शेड कर लेना है जो कॉमन है, क्योंकि दोनों सेट आ जाते हैं और कॉमन एलिमेंट्स भी इनके आ जाते हैं, ये यूनियन होगा उसका, ठीक है। जब आप लोग इसका इंटरसेक्शन करेंगे, ये ए सेट ये बी सेट, अब इंटरसेक्शन में हम देखें हमारे पास सिर्फ 4 कॉमन है, और 4 किस रीजन में लाइक कर रहे हैं, ये इसका पोर्शन है। तो हम क्या करेंगे, सिर्फ इस पोर्शन को शेड कर लेंगे, ये हमारी होगी वेन डायग्राम यूनियन इंटरसेक्शन की, ठीक है। आप लोगों ने इस बात का ख्याल रखना है, अगर आप लोग सेट के लिए सेट ओवरलैप कर रहे हैं या डिसजॉइंटेड, ठीक है, उस हिसाब से फिर आप लोगों ने ये डायग्राम्स बना रहे हैं, ठीक है।
आगे आप लोगों के पास आ जाता है सेकंड क्वेश्चन, आपको 3 सेट दे दिए हैं, आपने वेन डायग्राम से शो करना है कंप्लीमेंट बी कंप्लीमेंट ए यूनियन बी ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, पहले मैं आप लोगों को बता दूं ए कंप्लीमेंट आप लोग कैसे फाइंड करते हैं। अब देखिए मेरे सेट जो दिया गया है वो 1 से 20 है। ठीक है, ए जो है उसका सबसेट है। ठीक है, ये आप लोगों के पास आ गया यूनिवर्सल सेट और ये आपके पास में ए सेट। ठीक है, अब आपको पता है ए यूनिवर्सल सेट का सबसेट है। कंप्लीमेंट जब आप लोग ए कंप्लीमेंट फाइंड करते हैं आप क्या करते हैं, यू माइनस ए, यू यूनिवर्सल सेट से आप ए के सारे एलिमेंट्स को एक्सक्लूड कर देते हैं, जो यू के एलिमेंट्स बचते हैं वो आप लोगों का आंसर होता है। ठीक है, कंप्लीमेंट वो होता है। ठीक है, जब आप लोग इसको देखेंगे तो आप लोगों ने क्या करना है, ए को एक्सक्लूड कर देना है क्योंकि इसका सबसेट है और हमने कंप्लीमेंट फाइंड करना है। यू में से ए के सारे एलिमेंट्स निकल जाएंगे और वो जो ए के सारे एलिमेंट्स हैं वो इस सेट में लाइक कर रहे हैं। आपने क्या करना है, यू का जो बाकी पोर्शन है ए सेट को छोड़ के आपने उसको क्या करना है, शेड कर लेना है। ठीक है, इसी तरह आप लोगों के पास आ जाता है ए सबसेट ऑफ यू। ठीक है, सेम ही रहेगा। जब आप लोगों के पास आ जाएगा ए सबसेट ऑफ यू, आपने लेना है ए सबसेट ऑफ यू, तो इसके आपने डायग्राम कैसे बनाते हैं। ठीक है, ये आपने यूनिवर्सल सेट ले लिया। अब आपने क्या करना है, ए जो है वो यू का सबसेट है, आपने ये शो करना है। यूनिवर्सल सेट तो ये होल हो गया, ये मैंने ए सेट लिख लिया, सिर्फ मैं ए सेट को शेड करूंगी क्योंकि मैंने यही बताना है कि ए जो है वो यू का सबसेट है। और सबसेट आपको पता क्या होता है, जब ए के सारे एलिमेंट्स यू में पाए जाएंगे तो ए सबसेट होगा यू का। ठीक है, अब आप लोगों के पास, आप लोगों ने सारे वेन डायग्राम्स इस तरह बना लेनी है। क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है, इसमें भी आप लोगों ने वेन डायग्राम से शो करना है यूनियन इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट सारे को। 3 सेट्स आ जाते तो आपने 3 को कैसे शो करना है कि ये जो है वेन डायग्राम से। ठीक है, अगर आपके पास प्रूफ आ जाता तो आपने दोनों दोनों साइड्स को भी बताना है कि ये कैसे आप लोगों के पास इक्वल आएंगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें आपने डिमॉर्गन्स लॉ आपको वेरीफाई करना है। पहले आप लोगों ने डिमॉर्गन्स लॉ को सॉल्व करना है, सेट्स आपको दिए गए हैं, फिर आपने उस हिसाब से मुझे वेन डायग्राम बना लेनी है। क्वेश्चन नंबर 6 में भी आपने दो पार्ट इसके दे दिए हैं आपको। आपको क्या करना है, पहले बी इंटरसेक्शन सी करना है। बी इंटरसेक्शन सी में बी और सी का जो कॉमन रीजन होगा आप लोगों ने वो शेड करना है। फिर आपने जब इसके साथ ए का यूनियन करना है तो आप लोगों ने ए वाले सारे सेट को शेड कर देना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है, इसमें आप लोगों ने क्या करना है, सिर्फ सी इंटरसेक्शन एच आप लोगों ने वेरीफाई करना है। यू सेट आपको दिया हुआ है, उसने आपको बता दिया गया 40 बॉयज इन क्लास 10, 24 बॉयज आउट ऑफ 40 प्ले क्रिकेट, 27 बॉयज आउट ऑफ 40 प्ले हॉकी, 5 ऑफ देम प्ले और क्रिकेट एंड हॉकी, इट इज गिवन दैट। आगे उसने दे दिया कि यूनिवर्सल सेट में हमारे पास बहुत बॉयज क्लास 10 के आ जाएंगे, मतलब 40 बॉयज आ जाएंगे। इसी तरह आपने जो बॉयज क्रिकेट प्ले करते हैं सी सेट उनका बुला लेना है, और जो हॉकी खेलते हैं उन लोगों का, उन बच्चों का आपने दूसरा एच सेट बुला लेना, और फिर आपने सी इंटरसेक्शन एच को कर लेना है, क्या करना है, वेन डायग्राम बनानी है। और आपको पता है सी इंटरसेक्शन एच एम्प्टी सेट नहीं आएगा क्योंकि कुछ ऐसे बॉयज भी हैं जो क्रिकेट भी खेलते हैं हॉकी भी खेलते हैं। ठीक है, फिर आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 9 आ सकता है, इसमें आप लोगों ने ए इंटरसेक्शन बी को 5 शो करना है। पहले आप लोग ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करेंगे, आपके पास एम्प्टी सेट आएगा, फिर आप लोगों ने उसको वेन डायग्राम में शो करना है। ठीक है, अब आप लोगों के पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 10, इसमें भी आप लोगों ने वेरीफाई करना है डिमॉर्गन्स लॉ, लेकिन सेट जो यूनिवर्सल सेट है वो नेचुरल नंबर लेने में आपने नेचुरल नंबर इनफाइनाइट आ दिए गए। ए आपने एम्प्टी सेट लेना है, बी सेट आप लोगों ने प्राइम नंबर लेना है। प्राइम नंबर आपको पता है जो सिर्फ खुद से डिवाइड हो सकते हो या 1 से डिवाइड हो सकते हो, उनको हम कहते हैं कि ये प्राइम नंबर है। इसी तरह आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 11 भी सॉल्व कर लेना है। ठीक है, नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम लोग 5.1 भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।